जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं पार्थो। इस वीडियो में हम बताने वाला हूं UDHD भर्ती 2019 के बारे में, जो रिसेंटली जारी किए गए है। ये भर्ती 463 पद के लिए निकला गए है। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, मैं आपको एक एक करके पूरा जानकारी देने वाला हूं। पर फ्रेंड, उसके पहले मैं आपको यानी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जानकारी उन सब लोग तक पहुंच जाए जो इसमें एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, देख लेते हैं आप पूरे जानकारी। फ्रेंड, ये पोस्ट UDHD यानी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में निकली है। फ्रेंड, पहले हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में। फ्रेंड, पोस्ट टोटल कितना है? पोस्ट टोटल 3 है। पहला जो पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल। इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 377। दूसरा जो पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल। इस पोस्ट के लिए वैकेंसी 44। और तीसरा जो पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। इस पोस्ट के लिए वैकेंसी 42। कुल मिला के टोटल पोस्ट यानी टोटल वैकेंसी कितना है? टोटल वैकेंसी है 463। फ्रेंड, हम बात करेंगे एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जिस पोस्ट में आप अप्लाई करने चाहते हैं, उस पोस्ट में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और उस डिप्लोमा सर्टिफिकेट AICTE द्वारा सम्मानित होना चाहिए, तब जाके आप इस 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड, हम बात करेंगे परमानेंट सैलरी के बारे में। फ्रेंड, आपको परमानेंट सैलरी मिलेगा 27,000 यानी 27,000 रुपया आपको परमानेंट सैलरी दिया जाएगा। और जो फ्रेंड, जो एक बात है, एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिक होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब है। फ्रेंड, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? फ्रेंड, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम पुरुष के लिए 37 वर्षों और महिला के लिए 40 वर्षों। यानी इस फॉर्म को मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और पुरुष के लिए मैक्सिमम 37 वर्षों होना चाहिए और महिला के लिए 40 ईयर्स। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं ऑनलाइन पे दिसंबर मंथ का 19 तारीख से चलेगा जनवरी मंथ का 8 तारीख तक। इसके अंदर आपको ऑनलाइन पे इस फॉर्म को भरना होगा और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं पे करना होगा। SC ST फ्री है और जो जनरल OBC कैंडिडेट है, सबके लिए एप्लीकेशन चार्ज फ्री है। फ्रेंड, अब बात करेंगे जॉब लोकेशन। आपका जॉब लोकेशन होगा बिहार और इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑल इंडिया से। आप कोई भी स्टेट में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपका जो जॉब लोकेशन होगा बिहार होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ अगर दोस्त आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस पर गवर्नमेंट जॉब का न्यूज़ अपडेट करता हो। तो फ्रेंड, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।